तुम मानोगे नहीं बट स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड्स ने हमेशा उसे डिसअपॉइंट किया है। सबसे पहले बात करते हैं मैरी जेन की। जब पीटर एंड एमजे एक अननोन यूनिवर्स में फंस जाते हैं तब पीटर तो वहां से वापस आ जाता है बट एमजे वहीं फंस जाती है एंड उसे वापस लाने के लिए पीटर अपनी सारी जान लगा देता है, यहां तक कि वो अपने विलन नॉर्मन ऑसबॉर्न से भी हेल्प मांग लेता है। बट अनफॉर्चुनेटली अर्थ का एक दिन उस यूनिवर्स के एक साल के बराबर था। जब पीटर उस यूनिवर्स में वापस जाता है तब उसे पता चलता है कि एमजे एक पॉल नाम के बंदे को डेट कर रही है एंड उसके साथ उसके दो बच्चे भी हैं। पीटर उसे साथ चलने के लिए भी कहता है बट वो साफ मना कर देती है। अब बात करते हैं ग्वेन स्टेसी की। पीटर के साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी वो नॉर्मन ऑसबॉर्न को डेट कर रही थी, यहाँ तक कि वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, नॉर्मन के दो बच्चों को भी जन्म दे देती है एंड 10 साल बाद यही दोनों बच्चे बड़े होकर स्पाइडरमैन की लंका लगा देते हैं। एंड लास्ट में आती है ब्लैक कैट। जब पीटर उसके सामने अपना फेस रिवील करता है तब उसे इतनी ज्यादा घिन आने लगती है कि वो पीटर को उसका मास्क वापस पहनने के लिए कह देती है। ये सब देखने के बाद मुझे लिटरली स्पाइडरमैन के लिए बुरा लग रहा है।